हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने पूरा करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 24 जून 2020 और 24 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया था, फेसबुक ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो अभी आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा को चुना है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आयुष मंत्रालय ने 21 जून को ही योग डे के दिन पर माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इस योजना में स्कूली बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और इस योजना में खास बात यह है कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा उन्हें SMS के थ्रू स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अब ये योजना त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो मैप में देखते हैं त्रिपुरा को। ये है मैप में त्रिपुरा जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के CM बिप्लव कुमार देव हैं और त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा के चीफ जस्टिस कौन है? तो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हैं अखिल कुरैशी। कौन है? अखिल कुरैशी। और त्रिपुरा के CM ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना की शुरुआत की थी। और इस साल के शुरुआत में हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में ही मनाया गया। त्रिपुरा में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि क्लाउडेड लेपिड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। राजौरी नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पता थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, तो इसे कौन रेगुलेट कराता है? तो विश्व में जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं इसे IOC रेगुलेट कराता है। कौन? IOC। अब बात आती है IOC की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में, और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं। कौन है? थॉमस वॉच। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और इस बार के योग डे की थीम क्या थी? तो इस बार के योग दिवस की थीम थी योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। क्या थी? योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रमेश पोखरियाल निशंक ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो राजनाथ सिंह ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री हैं और किरेन रिजिजू ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रूस में आयोजित होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो अभी रूस में आयोजित होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजनाथ सिंह ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं और ये तेजस में यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने हैं। अब बात आती है रूस की, तो मैप में देखते हैं रूस कहाँ है। ये है मैप में रूस जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस के PM मिखाइल मिशुस्तिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी रूबल है। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रूस की संसद का क्या नाम है, तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो अभी झारखंड में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी, यानी किस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है? झारखंड गवर्नमेंट ये मनरेगा के तहत जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी, और इस तरह की योजना शुरू करने वाला झारखंड भारत का दूसरा राज्य है। अब तो ये झारखंड भारत का दूसरा राज्य है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है केरल। केरल इससे पहले जॉब गारंटी स्कीम शुरू कर चुका है मनरेगा के तहत, और ये झारखंड भारत का दूसरा राज्य बन गया है अब जॉब गारंटी स्कीम शुरू करने वाला। अब बात आती है झारखंड की, तो मैप में देखते हैं झारखंड कहाँ है। ये है मैप में झारखंड, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है? तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे ITF मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी निकी पुनाचा को ITF मेंस प्लेयर्स पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। बताती है ITF की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट डेविड हेगर्टी हैं। कौन है? डेविड हेगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो अभी ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इसके अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो कंपनी टॉप पे रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। रिलायंस जियो ये अपने यूजर्स को 14.1 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड दी है, और ये इसी के साथ टॉप पर रहा है। और ये जो ट्राई है, ये स्पीड को चेक करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया? तो ये ट्राई इस स्पीड को चेक करने के लिए माई स्पीड ऐप का इस्तेमाल किया है। किसका? माई स्पीड ऐप। अब बात आती है ट्राई की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन राम सेवक शर्मा है। कौन है? राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी BMW इंडिया के नए अध्यक्ष उर्जित पटेल बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। उर्जित पटेल ये BMW इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस IIT ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है? तो अभी IIT कानपुर ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? तो अभी केन्या ने जिबूती को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है UNSC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब ये सीट केन्या ने जीती है, तो केन्या को मैप में देखते हैं। ये है मैप में केन्या, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और केन्या की कैपिटल नैरोबी है। कौन है? नैरोबी। और केन्या की करेंसी केनियन शिलिंग है। कहाँ है? केनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए
1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये राशि बांग्लादेश को दी है, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश, ये है मैप में बांग्लादेश, ये है मैप में बांग्लादेश जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है, और ये संप्रीति युद्ध अभ्यास इस बार ये मेघालय में हुआ था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो का PDF फाइल आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो फेसबुक ग्रुप भी जाकर ज्वाइन